नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्लास 12th के हिसाब से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर दैट इज साइकोलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे नीट के स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स सब्जेक्ट को ड्रॉप करके साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ और सब्जेक्ट को ड्रॉप करके साइकोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस ये सब अवॉइड करना चाहते हो, अगर तुमको नहीं चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ओके तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हो। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कैसा होगा ना कि आपके फाइनल एग्जाम में 100 मार्क का टोटल वेटेज होगा इसका, जिसमें से 20 मार्क्स तो सिर्फ कॉलेज असाइनमेंट्स ये सब का होता है। कॉलेज असाइनमेंट मतलब समझते हो ना, खाली लिख लिया करो, टीचर को जाके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और स्माइल कर दिया करो, हेलो टीचर, ठीक है, टीचर्स डे के दिन एक फ्लावर दे दिया करो तो 20 में से 20 मार्क पक्का। अब बाकी बचा 80 मार्क्स का ना थियरी पेपर होता है, और ये 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन सेंटेंस। और बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में भी ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए होते हैं। इमेजिन नीट एग्जाम की तरह 4 ऑप्शन नहीं, 3 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है हमको। सो ओवरऑल कैसा है ना कि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत स्कोरिंग हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट को अवॉइड करके साइकोलॉजी लेते हो, सो पूरा साल आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए अच्छे से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और रही बात साइकोलॉजी की, तो उसका ज़रा भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी को आप लास्ट 15 दिन में भी पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं शुरुआत से साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहता था, बट मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के हिसाब से, थोड़े हेल्थ इश्यूज के हिसाब से थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, बट अवस्थी सर अब वापस आ गए हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल यो यो बायो, जहाँ आज यो यो बायो बात करने वाला है यो यो साइको के बारे में आज से हम सब साइको हो गया। अब बात यह है बच्चों, हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सो टोटल 12 स्टैंडर्ड में 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर के 8 वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा, आप 70 मार्क्स के ऊपर तो आराम से स्कोर कर जाओगे आउट ऑफ 100। और 8 वीडियोस जो बनाऊंगा ना, वो ब्रीफ आंसर्स के लिए बनाऊंगा, और उसी 8 चैप्टर के 8 वीडियोस और बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लेके। अब फिलहाल इस चैप्टर का मेन थियरी आंसर शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, जैसा कि ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी एंड स्टडी ऑफ वंस ओन पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजी में होता कैसा है ना कि एक साइकोलॉजिस्ट अलग होता है और एक साइकेट्रिस्ट अलग होता है। MBBS करने के बाद या फिर किसी मेडिकल फील्ड को फिनिश करने के बाद आप साइकेट्री में जा सकते हो। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो होते हैं ना, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके से गाइड करता है, काउंसिल करता है पेशेंट को, और उसकी हेल्प करता है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कैन कम अप एज ब्रीफ आंसर इज, अभी भी ना मेरा काफ़ी सिर दुख रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। आप लोग ये लेक्चर को देखिए और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना अच्छे से इसका नोट्स बना के एग्जाम में लिख के आना। साइकोलॉजी कैसा है ना कि अपने आप में एक थियरी पेपर है, तो इसमें कोई आंसर छोड़ना नहीं होता है, ठीक है, अपने मन से है ना कुछ इसमें मेंशन करके आ जाने का। इट इज़ जस्ट लाइक हिंदी मराठी का निबंध लेखन जहाँ हम निबंध कुछ भी लिख देता है, यहाँ सिर्फ मैं तुमको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, वो सीख लो और उस बेसिस पे अपने ओन लैंग्वेज में आंसर लिख लिया करो। अब एक तुमको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। सो नंबर वन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ साइंस, कि साइंस में मेन क्या पॉइंट्स होते हैं वो हमको समझना जरूरी है। सेकंड, टू अक्वायर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, टू अक्वायर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। सो यहां हम लोग ये पढ़ेंगे कि इतिहास में, साइकोलॉजी के इतिहास में कैसे साइकोलॉजी को धीरे धीरे एक साइंस माना गया। नेक्स्ट, टू नो अबाउट वेरियस रिसर्च मेथड्स, अलग अलग रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे
और उस मेथड के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो मेथड कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द मेजर चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। पहले लोग है ना ये मानते थे कि साइकोलॉजी है ना अपने आप में साइंस का ब्रांच नहीं है। सो साइकोलॉजी को साइंस की मान्यता दिलवाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द टर्म रैशनैलिटी क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना, वो समझना इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, साइंस जो है ना वो तीन तरह का होता है। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है अपना यो बायो, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, एंड बेटा एक होता है सोशल साइंस। फिजिकल साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हो, इसमें आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो और इसमें आप जियोलॉजी पढ़ सकते हो। बायोलॉजिकल साइंस में आप बॉटनी पढ़ सकते हो, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी पढ़ सकते हो, दैट इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो, दैट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, बॉडी फंक्शन कैसे करता है, दैट इज फिजियोलॉजी। सोशल साइंस में सबसे मेन सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके बाद आता है सोशियोलॉजी जहां हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स। ओके, मूविंग ऑन, इज साइकोलॉजी रियली अ साइंस? ये है ना पुराने जमाने का सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वाकई में साइकोलॉजी विज्ञान का हिस्सा है। अब इस सवाल को समझने के लिए हमको दो बातें समझनी पड़ेगी, एक साइकोलॉजी क्या होता है और दूसरा साइंस क्या होता है। साइंस से शुरू करते हैं। साइंस जो वर्ड है ना, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। ये सब ना ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। नेक्स्ट, फिर तुमको एक ब्रीफ आंसर पूछेंगे ऑन की फीचर्स ऑफ साइंस, साइंस के की फीचर्स क्या है। अब इसका मस्त हमने एक शॉर्टकट बनाया है, शॉर्टकट के हिसाब से याद रखो, रेप्यूटेड CEO, रेप्यूटेड यानी जिसका बहुत नाम है, मान सम्मान है, और CEO कंपनी का जो मेन होता है वो, रेप्यूटेड CEO, R से होगा रेप्लिकेशन, E से होगा एक्सप्लोरेशन, P से होगा प्रिडिक्टेबिलिटी, C से होगा कॉजेलिटी, E से बनेगा एम्पिरिकल एविडेंस, O से बनेगा ऑब्जेक्टिविटी, रेप्यूटेड CEO। ठीक है, की फीचर्स में पूछा ना, ये टाइटल लिख देना, हर टाइटल में एक एक दो दो पॉइंट से डिस्क्राइब करके, ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करके इसको फिनिश कर देना। अब सुनते जाओ, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, साइंस के की फीचर्स यानी विज्ञान में क्या क्या देखते हो आप, साइंस किसको बोलते हो। सो सबसे पहला की फीचर है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें ना इंग्लिश बहुत आता है बेटा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अंडर सेम सरकमस्टेंसेस, अंडर सेम सरकमस्टेंसेस, एनी वेयर एनी टाइम। यानी साइंस किसको बोलते हो जिसका रेप्लिकेशन हो सके, रेप्लिकेशन यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बार बार आप सेम चीज रिप्रोड्यूस कर पाओ। जैसे ग्रेविटी, आप किसी भी सामान को फेंकते हो तो नीचे की तरफ गिरता है, यानी ग्रेविटी। न्यूटन चाचा पेड़ के नीचे गिरा, एप्पल सिर पर गिरा, बहुत लोग इतना परेशान हो गया, बोला वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या, किसी भी सामान को अगर मैं छोड़ूंगा ना, सो उसी हालात में कहीं पर भी किसी भी समय सेम तरह का रिजल्ट मिलेगा मुझे। सो वो साइंस का एक मेन की फीचर होता है, मेन क्वालिटी होता है, दैट इज रेप्लिकेशन। एक्सप्लोरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, हम जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई जगह घूमना चाहते हैं, यानी नई नई बातें ढूंढना और सीखना, दैट मीन्स टू डिस्कवर। साइंस ऑलवेज अडॉप्ट्स अ सीक्वेंस, साइंस हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है। साइंस में आप क्या देखते हो, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है, सो वो प्रॉब्लम से जुड़े जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं
वो फैक्ट्स को पहले हम जमा करते हैं, दैट इज़ फैक्ट्स कलेक्शन। उसके बाद वो सारे फैक्ट्स का हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं यानी वो फैक्ट्स को हम परखते हैं, ओके। और परखने के बाद एक जनरल रूल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन करने के बाद हम चलते हैं पी पे, पी यानी प्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो साइंस कैसा चलता है ना, साइंस में जैसे समझो ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि हमने देखा भाई कोई भी सामान को छोड़ देना तो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो हमने उससे जुड़े सारे के सारे सच्चाई को जमा करना शुरू किया, फिर वो सच्चाई का एनालिसिस किया, उसको समझा, फिर एक जनरलाइजेशन, एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। और फिर उस लॉ के हिसाब से हम प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट करना यानी फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। फिर आज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया आप किसी भी सामान को फेंकिए वो नीचे की तरफ आकर्षित होता है, इसको बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ साइंस इज प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स टू एस्टिमेट, प्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स टू एस्टिमेट। आप एक बार कोई चीज पढ़ लेते हो ना तो उसी चीज से जुड़े सारे के सारे फैक्ट्स का आप अंदाजा लगाने लगते हो कि आगे चल के क्या होगा। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने बाथटब में पैर डाला तो पानी ऊपर आने लगा, उस हिसाब से उसने है ना ये सारे के सारे बॉयंसी, अपथ्रस्ट, ये सब ढूंढ के निकाला फिजिक्स में। अब आम आदमी होता तो जैसे ही पानी में पैर डाला तो नहा लेता चुपचाप। बट आज के बाद हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलता है भाई आप पानी में जितना वजन डालते हो ना उस वजन के अनुसार उतना ही पानी ऊपर आता है, ओके। यानी प्रिडिक्टेबिलिटी, तो हम लोग आगे की तरफ अंदाजा लगा सकते हैं, दैट मीन्स टू एस्टिमेट। नेक्स्ट कॉजैलिटी, कॉजैलिटी विल ऑलवेज स्टडी द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर कोई भी चीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है, मेरा अगर पेट दुख रहा है तो किस वजह से हो रहा है, पेट में बैक्टीरिया है कि अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है कि किडनी स्टोन है, राइट। सो कॉज और इफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसको कॉज बोला जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इफेक्ट बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एम्पिरिकल एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है इट मींस अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप डायरेक्टली किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसके अनुसार ना कोई कंक्लूजन बना दो, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस, ओके। लास्ट ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब चीजों को उस तरह से देखो जिस तरह से वो है। यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व फिनोमिनन एंड कंडीशन एज दे आर एंड नॉट एज वी विश देम टू बी। अगर मैं एक साइंटिस्ट या रिसर्च वाला हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ओके राइट, तो मैं है ना कुछ स्टडी करने के बाद जो मैं चाहता हूँ उसके अनुसार नहीं देखूंगा, जिस अनुसार वो फिनोमिना हो रहा है उसके हिसाब से ही देखूंगा, ओके। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी। सो इसमें जितना भी बायस्ड और प्रीजुडाइज नेचर होता है, बायस्ड और प्रीजुडाइज यानी आपने पहले से ही फिक्स्ड आइडियाज बना लिया कि इस हिसाब से ही होना चाहिए, राइट। सो उसको उस नजरिए से नहीं देखना है, हम जिस हिसाब से चाहते उस नजरिए से नहीं देखना है, जिस हिसाब से होता है उस नजरिए से देखना है। जैसे अगर मैं बोलूं बायोलॉजिकल साइंस ने ढूंढा है कि भाई आप खराब खाना खाओगे और फिर आपका पेट दुखने लगेगा, सो ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट ये कहता है कि खराब खाना खाने के बाद आपके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गया है, पेट में बैक्टीरिया है। अब मैं रिसर्च साइंटिस्ट होने के नाते ये नहीं बोल सकता पेट दुख रहा है बिकॉज इसको भाई बच्चा होने वाला है, पेट दुख रहा है क्योंकि इसको पथरी है, इसको किडनी स्टोन है, नहीं। सो मैं जैसा चाहता हूं उस अनुसार नहीं देखूंगा, उस कंडीशन में
एज द सर्कमस्टेंसेस इज उसके अनुसार ही देखना होता है, ये समझे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ऑल राइट बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस। व्हाई साइकोलॉजी इज अ साइंस? बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ साइंस। इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ साइंस। सेकेंड, साइकोलॉजी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट साइकोलॉजी अपने आप में सोशियल साइंस है विच स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। बिकॉज इट स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान का स्वभाव कैसा है, वो कैसे सोचता है, उसके इमोशंस कब बढ़ते हैं कब कम होते हैं, ये सब है ना साइकोलॉजी पढ़ता है। नेक्स्ट, इट यूजेस रिसर्च मेथड्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये मार्क कर देता हूं, किस कारण की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे अगर किसी इंसान को कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो क्या करने की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो जा रहा है, ओके क्या करने की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पड़ता है, देन इट प्रोड्यूसेस लॉज विच आर गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। फिर ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ना कुछ लॉ बता दिए जाते हैं, फिर हमको पता चलता है अच्छा इस तरह के साइकेट्रिक पेशेंट में, ओके जैसे अगर कोई बहुत ही ज्यादा इरिटेबल है तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, चीज़ें फेंकने लगेगा इधर उधर। कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है। सो उस हिसाब से ना वो लॉज गवर्न करता है, वो लॉ हमको ये बताता है कि इस तरह के इंसान के बिहेवियर में आगे और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस यानी फॉल्स साइंस। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फॉल्स साइंस एंड फोल्क विजडम एज इट हैज एविडेंस। साइकोलॉजी जो है ना, सो साइकोलॉजी में एविडेंस है, इसलिए वो ऐसा वैसा नकली साइंस नहीं है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी पढ़ना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अ डायनामिक। इंसान का जो स्वभाव है बदलते रहता है, एंड द मेंटल प्रोसेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट। अब कौन क्या सोचता है वो दिखाई तो नहीं दिया जा सकता, उसको हम छू नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो ये काल्पनिक इमेजिनरी बातें होती हैं। सो मेंटल प्रोसेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक। इंसान के बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल है। बात समझ में नहीं आ रही है? इसका बेस्ट एग्जांपल है आप शादी कर लो फिर आपको पता चलेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। ओके, अब कैसा होता है ना, क्योंकि इंसान का बिहेवियर बदलते रहता है, दैट इज डायनामिक, और मेंटल प्रोसेसेस एब्स्ट्रैक्ट है, हेंस दीज थियरीज आर नॉट यूनिवर्सल। यानी साइकोलॉजी की जो जो थियरी है ना, वो एकदम एग्जैक्ट, यूनिवर्सल, प्रिसाइज, एकदम पर्टिकुलर नहीं है। वो हमको ऐसे बताती है कि इस तरह के पेशेंट में ये हो सकता है, पर कई बार ऐसा होगा कि उसका बिहेवियर कुछ और निकलेगा। सो ज्यादातर क्या होगा ना, वो हमको बताती है। सो द लॉज आर नॉट एग्जैक्टली यूनिवर्सल जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट बच्चों, तुमको ना फिर ब्रीफ आंसर आएगा कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, कि कहां से शुरू करते हुए साइकोलॉजी कैसे कैसे धीरे धीरे साइंस का हिस्सा बन गया। सो पॉइंट नंबर वन, अंटिल 1870 साइकोलॉजी वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। पहले के जमाने में लोग मानते थे कि साइकोलॉजी सब फिलोसफी है, थॉट प्रोसेस है, कहने सुनने वाली बातें हैं, और इसका ओरिजिन हुआ है एंशियंट ग्रीक में। इसका ओरिजिन कहां हुआ है बेटा? ग्रीक में हुआ है। नेक्स्ट, 1879 में जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने सबसे पहली बार साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन बताया, सेपरेट डिसिप्लिन बताया, बोला कि नहीं ये अपने आप में एक अलग साइंस है। ओके, इनका नाम है विलहेम वुंड। विलहेम वुंड ने वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी, वर्ल्ड्स
फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, और ये बनी थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग। सर लिप्ज़िग कहाँ है? बहुत दूर है, अपने भारत से काफी दूर है। ओके नेक्स्ट। अब ना इसके बाद एक एक पॉइंट याद रखना। इसके बाद साइकोलॉजी में क्या हुआ? देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, विलहेम वुंड, और इनके स्टूडेंट थे जिनका नाम है एडवर्ड टिशनर। एडवर्ड टिशनर और विलहेम वुंड ने मिलके स्ट्रक्चरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया था, वेयर दे यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन, आप खुद की ही जांच पड़ताल करो, आप क्या सेंस करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, उस पे ज्यादा जोर दिया गया और उस आधार पे साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया गया। सो स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन किया जाता है ज्यादा। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिज्म वॉज इमर्ज्ड। नेक्स्ट, देन देर वॉज इमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वॉज फाउंडेड आउट बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स नाम के जो साइकोलॉजिस्ट है ना, इनका बहुत ज्यादा नाम है बेटा, तुमको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजी का पप्पा है। ओके, सो इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ये तुमको है ना फिलिप्स में या तो फिर मैजदा कॉलम में आ सकता है बेटा। ही एम्फसाइज्ड ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इन्होंने ना कॉन्शियस माइंड का, एक जागरूक माइंड, जैसे तुम और मैं कॉन्शियस है, हमको पता है अभी हम कहाँ बैठे हैं, आज क्या तारीख है, क्या समय है। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी हम होश में है। सो कॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया इन्होंने, एम्फसाइज करना यानी जोर देना। सो दैट इज़ फंक्शनलिज्म, भूलना मत। स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन पे जोर दिया गया, फंक्शनलिज्म पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया ऑन कॉन्शियसनेस। ओके नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस आया 1890 में बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रियन फिजिशियन। अब ये बहुत फेमस हैं, इनका नाम है सिगमंड फ्रूइड। सिगमंड फ्रूइड ने साइको एनालिसिस ढूंढा। ये कॉन्शियसनेस पे और इंट्रोस्पेक्शन में नहीं विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जो यूजुअली होश में नहीं होता है, पर अंदरूनी तौर पे हमारे मन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो उसमें ज्यादा से ज्यादा जोर दिया था, दैट इज साइको एनालिसिस। उसके बाद आया बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वॉज स्टार्टेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड एज जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन जो थे ना, उन्होंने इन सब की बातें नहीं मानी, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे भी बिलीव नहीं किया, कॉन्शियसनेस पे भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, इंट्रोस्पेक्शन पे भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने बोला वी विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, खाली इंसान के बिहेवियर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं। देन केम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी स्टार्टेड इन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय कार्ल रॉगर्स। कार्ल रॉगर्स तीन बातों में मानते थे, एक है फ्री विल, इंसान की खुली इच्छा, फिर उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन और उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन यानी वास्तविक तौर पे वो क्या है, कौन है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी वो कितना इच्छुक है कुछ करने के लिए या कुछ बनने के लिए, और उसकी मर्जी क्या है। इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया कार्ल रॉगर्स ने, एंड ही केम अप विद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। लास्ट, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म जो है ना, इट वॉज स्टार्टेड बाय अल्रिक निशर। अल्रिक निशर ने बोला ये सब छोड़ो, ज्यादा ध्यान देते हैं हायर फंक्शंस पे, हायर फंक्शंस। अब हमारे माइंड का हायर फंक्शन क्या क्या है, जैसे मेमोरी, याददाश्त, डिसीजन मेकिंग,
क्या करूँ, साइंस करूँ कि आर्ट्स करूँ, शादी करूँ कि शादी नहीं करूँ, नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ, राइट? दैट इज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज. और इसको पढ़ने के लिए इन्होंने अलग अलग स्कैन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे MRI स्कैन और PET स्कैन. पेट स्कैन. सर पेट यानी हम घर में कुत्ता रखता है उसको पेट बोलता है, ये वो नहीं है, ये बहुत हाईफाई बायोलॉजी है. ओके, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, तुमसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं. जिस हिसाब से CT स्कैन एक्सरे होता है वैसे ये बहुत हाई लेवल के टेस्ट है, ठीक है? चलो अब इस पर ना तुमको डेफिनेटली शॉर्ट नोट आएगा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो ये सारे पॉइंट्स तुमको कवर करना है. फोटो क्लिक कर लो और इसका नोट्स बनाओ. All right, बच्चों, let's continue. Now, next topic is research methods in psychology. Psychology में क्या अलग अलग तरह के research methods adopt किए गए थे. So, total 5 method हैं, जिसमें से बेटा first method is called as experimental method. First method is experimental method. सेकेंड मेथड इज सर्वे मेथड. थर्ड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड. फोर्थ मेथड इज केस स्टडी मेथड. एंड फिफ्थ मेथड इज कोरिलेशन मेथड. आसान भाषा में जब भी साइकोलॉजी को पढ़ा जा रहा था ना, ओके, तो अलग अलग रिसर्च मेथड्स के द्वारा पढ़ा जा रहा था. पहला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड का फायदा क्या है? It helps to identify the problem. Number 2, it helps to develop hypothesis. यानी problem के आधार पे उसको गौर करने के बाद आप कोई ना कोई hypothesis बना सकते हो और उस hypothesis को standardize कर सकते हो, उसको generalize कर सकते हो. उसके बाद step number 4 क्या आता है experimental method में? You will collect different information. Information यानी data. फिर उस डेटा को एनालाइज करोगे, देन यू विल एनालाइज द डेटा, एंड लास्ट में यू विल ड्रॉ सम और द अदर कंक्लूजन, यानी आप किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे. ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया है. म्यूजिक का ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा? अब समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई शांत प्यारी सी म्यूजिक है, ओके, एक बूढ़ा इंसान है, उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उसको हम भगवान का कोई गाना सुना देते हैं जो उसका फेवरेट है. सो उससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. सो इसमें म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज द कॉज. और ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो कम हो रहा है दैट इज द इफेक्ट. सो कॉज होता है ना, उसको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलना. जैसे कि इस एग्जाम्पल में म्यूजिक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरेस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इफेक्ट. सो म्यूजिक की वजह से आपने इफेक्ट किस पे देखा? आपने इफेक्ट देखा ब्लड प्रेशर पे. सो ब्लड प्रेशर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. और यही ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे कारण के वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, यानी पर्सन की उम्र के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके डाइट के हिसाब से. अगर ज़्यादा नमक खा रहा है तो BP बढ़ेगा बेटा, ओके, उसके इमोशनल स्ट्रेस के हिसाब से, उसके फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से. सो ये जो बाकी के कॉजेस होते हैं ना, उसको बोलने का इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. इंटरवीन करना यानी बीच में आना. सो मेन जो कॉज होता है ना, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इफेक्ट. जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे अगर मैं एक बूढ़े इंसान पे देख रहा हूँ कि म्यूजिक का उसके ब्लड प्रेशर पे क्या असर हो रहा है, सो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं हो जाऊंगा एक्सपेरिमेंटर. और वो जो बूढ़ा इंसान है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पार्टिसिपेंट. ओके, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सो फर्स्ट फीचर इज कि इट इज ऑब्जेक्टिव मेथड. ऑब्जेक्टिव मेथड यानी उसका इफेक्ट हम सब लोग नोटिस कर सकते हैं. सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन.
थर्ड इट हेल्प्स अस टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड नंबर फोर इसमें जो भी हमको कंक्लूजन मिलता है ना वो कंक्लूजन को हम वेरीफाई कर सकते हैं दैट मीन्स द कंक्लूजन्स द फाइंडिंग्स आर वेरीफाइएबल ओके दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में टेक्स्ट बुक में कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे एक एग्जाम्पल दिया है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन मेमोरी अब जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी मेमोरी उतनी तेज हो जाएगी सो इसमें कॉज क्या है प्रैक्टिस इफेक्ट क्या है मेमोरी तेज हो रही है सो कॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे सो प्रैक्टिस विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी मेमोरी तेज हो जाना वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा नेक्स्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मेंटल सेट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अब इफेक्ट ऑफ मेंटल सेट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी इंसान का माइंडसेट कैसा है और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर समझो मेरे घर पे बहुत झगड़ा हो रहा है तो मैं बाहर ऑफिस में अपने क्लाइंट्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा खुद की ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ ओके सो माइंडसेट जो है ना वो कॉज हो जाएगा और उसका इफेक्ट मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएगा नेक्स्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन स्पीड ऑफ राइटिंग अगर आप लिख रहे हो और बाजू में कोई ढोल नगाड़ा बजा रहा है जोर से शादी हो रहा है किसी का गणपति विसर्जन हो रहा है एवरीबडी इज डांसिंग ओके राइट अब क्या होगा ना इतना शोर होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे सो शोर जो हो रहा है ना नॉइज पोल्यूशन वो क्या है वो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और आपका स्पीड ऑफ राइटिंग जो है ना जो शायद स्लो हो जाए आप सोच नहीं पाओगे बराबर से वो इफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देन अदर देन दिस एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कलर ऑन परसेप्शन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन डिसीजन मेकिंग सो ये सब में सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है मूविंग ऑन फिर साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड में फर्स्ट मेथड हो गया सेकेंड मेथड है सर्वे मेथड सर्वे मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम सैंपल बोलेंगे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना बेटा जैसे किसी भी चीज का सर्वे हो रहा है जैसे समझो COVID-19 कोरोना का सर्वे हो रहा है ये एरिया में कितने कोरोना के पेशेंट हैं वो एरिया में कितने हैं सो ग्रुप ऑफ पीपल से हम ना कोई जानकारी लेते हैं जैसे मलेरिया का सर्वे हो रहा है एक बिल्डिंग में है ना 10 लोगों को मलेरिया हो गया तो हाई हम उस बिल्डिंग में गए और बोले भाई यहाँ इतने लोगों को मलेरिया क्यों हो रहा है सो सब लोगों ने बताया साहब बिल्डिंग के पीछे ना काम चालू है और गटर खुला है 2 महीने से म्यूनसिपालिटी वाला पता नहीं खुद को आर्कियोलॉजिस्ट समझता है सोच रहा है हरप्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ढूंढेगा पूरा ज़मीन खोद के रख दिया है और इसको बंद नहीं किया है तो पूरा गटर के वजह से मच्छर जमा हो रहा है तब मुझे पता चलता है मेरे सर्वे करने से मुझे पता चलता है अच्छा मलेरिया इस कारण के वजह से हो रहा है ओके नाउ मूविंग ऑन सर्वे मेथड में आप ग्रुप ऑफ पीपल से सैंपल उसको सैंपल बोलेंगे क्योंकि वो आपको जानकारी देगा अब इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे पॉलिटिकल ओपिनियन आप लोगों में सर्वे करो ओके लोगों में पता करो कि लोगों की क्या राय है पॉलिटिक्स को लेके आप उनसे पूछो भाई भारत देश में मोदी जी आने चाहिए या पप्पू पास हो जाएगा सो अलग अलग लोगों से पूछोगे ना तो किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है सो सर्वे के अनुसार हमको पता चलेगा कि कितने लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग बाकी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से कंज्यूमर प्रेफरेंस जैसे आप अगर समझो सर्वे करो 1,00,000 लोगों से पूछो आपका फेवरेट टूथपेस्ट क्या है तो कुछ लोग बोलेंगे कोलगेट है कुछ बोलेंगे पेप्सूडेंट है कुछ बोलेंगे टूथपेस्ट क्या होता है हम दांत घसते ही नहीं है ओके सो ये हो जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस एज पर सर्वे मेथड सर्वे मेथड इज लार्जली यूज्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ये याद रखना बेटा भूलना नहीं है ओके एंड इट कैन बी डन बाय जब हम लोग सर्वे करते हैं ना जरूरी नहीं हम घर घर जाके पूछे लोगों से हम चाहे तो भाई टेलीफोन के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं या तो हम चाहे तो उनको ईमेल भेज सकते हैं
सर कबूतर उड़ा के चिट्ठी भेजे क्या? नहीं, चुप रहे. ओके, या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करो, उनसे डायरेक्ट बातचीत करो. ओके, सो ये हो गया सर्वे मेथड. बड़ा ही आसान सा है. अब सर्वे मेथड का भी एग्जांपल दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में. सर्वे मेथड, हाँ, पहला बोला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. 1000 लोगों से पूछो कितने जन अपने काम को लेकर संतुष्ट हैं. तो ये एक सर्वे हो जाएगी, एक पढ़ाई हो जाएगी. नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन छोड़ो, एक सर्वे आप करो. आपके बिल्डिंग में है ना 100 शादीशुदा जोड़ा में से 100 हस्बैंड को पूछो कितने जन अपने शादी से खुश है. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन. ओके, वर्किंग वुमेन की क्या प्रॉब्लम होती है आप सर्वे में पूछिए. नेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड फिजिकल हेल्थ. एक्सरसाइज और फिजिकल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है वो पूछो. कॉजेज ऑफ स्टूडेंट एब्सेंटिज्म. तू जब लेक्चर बंक मारता है ना तो उसका कारण क्या है, तुझ में कोई गड़बड़ है, टीचर पढ़ाता इतना अच्छा है कि हमको नींद आ जाता है. ओके, राइट. तो इसका भी सर्वे किया जा सकता है. कॉजेस ऑफ एल्कोहलिज्म, लोग शराब क्यों पीते हैं. नेक्स्ट, एडिक्शन टू वर्चुअल ऑनलाइन गेम्स. लोगों को ऑनलाइन गेम्स की लत क्यों लग जाती है. सोशल नेटवर्किंग एंड साइबर क्राइम्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सीनियर सिटीजन. सो ढेर सारे लोगों से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सैंपल से आप इस बारे में ओपिनियन ले लीजिए. तो बच्चों सर्वे मेथड में ना ओन लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान सा आंसर है. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज्ड इन दोज एरियाज वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड. अब कहीं कहीं जगह पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकते हो. जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल आजकल की युवा पीढ़ी को गुस्सा क्यों आता है, तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि युवा पीढ़ी समझो बस या ट्रेन में से ट्रैवल कर रही है. ओके, अब उसने कान में हेडफोन लगाया हुआ है, गाना सुन रहा है, उसको एक बूढ़ा चाचा बोलता है बेटा ये कान में क्यों लगा के रखा है, एक ही कान में लगाओ, दोनों कान में हेडफोन मत लगाओ, एक कान खुला रखो, कभी कोई आएगा आजू बाजू से. ओके, रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो एक कान खुला रहना चाहिए. तो इसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है चाचा इधर आओ, द बेस्ट बिजनेस इज टू माइंड योर ओन बिजनेस. सुना देता है चाचा को, उल्टा जवाब दे देता है. तो चाचा बोलता है आजकल की युवा पीढ़ी देखो उल्टा जवाब देती है. ओके, तो ये क्या ना, इस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. आप एग्रेसिवनेस देख रहे हो कि गुस्सा क्यों आ रहा है युवा पीढ़ी को, और आप है ना इसको सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख सकते हो. सो दिस कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन माई डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन और एक होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अगर आप किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन ओके खुले में कर रहे हो, जैसा है वैसे में देख रहे हो, तो उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे. और अगर वही ऑब्जर्वेशन आप किसी लेबोरेटरी में कर रहे हो तो उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलेंगे. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक शेर, शेर कब गुस्सा होता है वो हमको ऑब्जर्व करना है. तो अगर खुले जंगल में आप उसको देख रहे हो तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन हुआ. उसी शेर को आप पिंजरे में बंद कर दिए लेबोरेटरी में, ओके अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन गौर कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलेंगे. इस तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड कौन कौन यूज करता है. दिस इज यूज्ड बाय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, दिस इज यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड इट इज यूज्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट. ये याद रखना. जैसे यहाँ पे सोशल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पर ये तीन है. लास्ट, केस स्टडी मेथड. दिस वॉज गिवन बाय जीन पियागेट एंड सिगमंड फ्रॉड. फ्रॉड चीटर नहीं है, सिगमंड फ्रॉड. ओके, जैसे जब मैं वैसे बोल एग्जाम में स्पेलिंग राइट लिख के आना. इसमें ना हम केस स्टडी करते हैं, हर इंडिविजुअल का केस की पढ़ाई करते हैं. और इस पढ़ाई के लिए जानकारी हमको मिलती है पेरेंट्स से, उसके माता पिता उसके बारे में बताते हैं, उसके पीयर्स, पीयर्स यानी दोस्त, उसके दोस्त हमको बताते हैं, उसके टीचर्स हमको बताते हैं, उसके कलीग्स हमको बताते हैं. और तो और हम खुद भी इस इंडिविजुअल का या तो इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू लेने के दौरान हम खुद भी तो बहुत सारी बातें ऑब्जर्व करते हैं और तरह तरह के टेस्ट लेते हैं, तरह तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और फिर हम ये केस को स्टडी करते हैं. केस स्टडी मेथड में आप इंडिविजुअल केस पढ़ते हो सबके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और अपने खुद के इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए. अब
इससे रिलेटेड भी है ना पॉइंट्स दिए हमारे टेक्स्ट बुक में. पहले ऑब्जर्वेशन मेथड को लेके बोला है, आप ये ऑब्जर्व करो, एग्रेसिव टेंडेंसीज शोन बाय टीनेजर्स, रिएक्शन ऑफ पैसेंजर्स स्टक इन हैवी ट्रैफिक. अगर बहुत सारे यात्री हैवी ट्रैफिक में अटक चुके हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, तो वो आप ऑब्जर्वेशन मेथड से पढ़ सकते हो. बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन, कहीं भाषण देना है तो अलग अलग बच्चों का क्या बॉडी लैंग्वेज है, कोई कॉन्फिडेंट है, कोई डर रहा है एकदम, कोई एकदम पसीना पसीना हो गया है, तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है विथ ऑब्जर्वेशन मेथड. केस स्टडी मेथड के बारे में बच्चों एक बहुत कमाल का केस हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. वो केस है बर्था पेपेनहाइम नाम का जो पेशेंट है, उस पेशेंट में ये देखा गया था, उसको नाम दिया है अन्ना ओ. वो पेशेंट ना जब भी पानी पीती थी, पानी का ग्लास जैसी होठों को लगाती थी ना, ग्लास फेंक देती थी, मारे गुस्सा के ग्लास फेंक देती थी, पानी ही नहीं पी रही थी. माँ बाप एकदम परेशान हो गए, अरे बाप रे पानी नहीं पी रहा है, इसको क्या हाइड्रोफोबिया हो गया है. हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर. फिर डॉक्टर को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट ने जब देखा ना तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको उसके ऊपर हिप्नोसिस किया. हिप्नोसिस यानी उसको थोड़ा सा नींद में लेके गया. जब वो थोड़ी सी नींद में चली गई और फिर उससे बातें किया ना, सो उसके मन के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है ना, वो दबी हुई बातें निकली. फिर उसने है ना एक घटने के बारे में बताया, एक इंसिडेंस के बारे में बताया, जहाँ है ना वो एक औरत की बहुत बुराई कर रही थी. बोलती कैसी बेकार औरत है, ओके ये औरत इतनी गंदी है, इतनी डिसगस्टिंग है कि ये ना अपने पालतू कुत्ते को जिस ग्लास में पानी पिलाती है वही ग्लास में पानी ये हम सबको भी पिलाती है. तब से इसको बड़ी चिढ़ होने लगी पानी के साथ. फिर हिप्नोसिस से जब इसको बाहर निकाला गया और हिप्नोसिस के दौरान ही इसने खुद ने पानी मांगा था, उसको पानी पिलाया गया. फिर जब ये हिप्नोसिस से जाग गई और फिर उससे बात किया गया, उसको काउंसिल किया गया, तो पता चला इसके मेमोरी में इस तरह का एक इमोशन सप्रेस हो गया था, दब गया था, उसके वजह से इसका इस तरह का बिहेवियर आ रहा था, जहां ये पानी पीना पसंद नहीं करती थी, ग्लास को तुरंत फेंक दिया करती थी. कई हफ्तों तक तो ये सिर्फ है ना मेलन्स पे जिंदा थी, वाटर मेलन्स खाती थी, फ्रूट्स वगैरह सॉफ्ट स्पॉन्जी फ्रूट्स खाती थी. अब ये तो है ना कैसा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, हम देसी लोग अपना बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं. साउथ इंडियन पिक्चर है अपरिचित, बड़ा ये लोग अन्ना अन्ना लिख रहे ना. बर्था पेपेनहाइम असली में पेशेंट का नाम है, उसको अन्ना ओ नाम दे दिया है, बट अन्ना से ही चलते हैं हम लोग अपने एग्जांपल पे. साउथ इंडियन पिक्चर है जिसका नाम है अपरिचित. अपरिचित पिक्चर अगर आपने देखा ना, मस्त क्लासिक एग्जांपल है केस स्टडी मेथड का. उसमें कैसा होता है ना, जो हीरो रहता है ना, हीरो जब छोटा सा रहता है, हीरो हमेशा डिसिप्लिन में चलता है, सारे रूल्स रेगुलेशन कायदा कानून मानता है. ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो बराबर उसको फॉलो करता है, अपना टैक्स बराबर भरता है, बिजली का बिल बराबर भरता है, किसी तरह का झोलम झाली नहीं करता है. एक बार कैसा होता है ना कि बारिश का टाइम रहता है, पानी भर जाता है, ठीक है, तो बिजली का जो तार है ना, खंबा है, बिजली का खंबा, वो गिर जाता है, तो बिजली का तार ना पानी में आ जाता है. अब पानी में पूरा करंट रहता है. अच्छा, दूसरा रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाता है जिसमें उसकी बहन बैठी होती है, हीरो की बहन रिक्शा में बैठी है. रिक्शा जब खड्डे से जाता है ना, रिक्शा पलट जाता है, तो बहन सीधा उस पानी में गिरती है, पानी में करंट होता है, तो करंट की वजह से उसकी बहन की मौत हो जाती है. अब ये घटना हीरो के सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस्ड इमोशंस के फॉर्म में, दबी हुई भावनाओं के फॉर्म में बस जाती है. उसको उस बात का बड़ा क्रोध आता है. अब उसको क्रोध क्या आता है, नंबर वन वो खुद बहुत डिसिप्लिन से चलता है, तो बोलता है नंबर वन, एक तो हमारे देश में खड्डा नहीं होना चाहिए. म्यूनसिपालिटी क्या कर रहा है, वो खड्डा नहीं होता तो रिक्शा पलटता नहीं. दूसरा, वो जो बिजली का खंबा था उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, सो वहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे थे. तीसरा, सब कर्मचारी पुलिस वाले, वो दिन गांधी जयंती थी तो शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो लोग सब शराब पी के अपना दफ्तर बंद करके बैठे थे. चौथा, वहाँ पे पानी कैसे जमा हुआ, पानी जमा नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज का पूरा कामकाज सही से होना चाहिए. सो हीरो ये बात सोचते रहता अपने ज़िंदगी में कि भाई मैं अपने ज़िंदगी में इतना सीधा चल रहा हूँ, सब कुछ सारे कायदे कानून का पालन कर रहा हूँ, फिर भी आज मैंने अपनी बहन को खो दिया. अब क्या होता है ना, वो इतना गुस्सेल हो जाता है ना
कि आगे की जिंदगी में जब भी वो किसी को छोटा मोटा है ना कायदा कानून तोड़ते हुए देखता है ना, तो उसको मार डालता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। जैसे अभी तुम रेलवे ट्रेन में जा रहे हो, सो रेलवे ट्रेन में जो खाना मिल रहा है, अब वो खाना खराब क्वालिटी का होता है। रेलवे की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, वो पैसे में से आधा पैसा ये लोग खुद खा जाते हैं, और बचे कुचे थोड़े बहुत पैसे का गंदा खाना, ओके, बेकार के मटेरियल का खाना बना के रेलवे में बेचते हैं। सो हीरो जब ये देखता है ना, तो वो क्या करता है ना कि उस खाना बनाने के डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं ना, उसको गरम गरम कढ़ाई में तेल में डाल डाल के मार डालता है, और उधर संस्कृत के मंत्र लिखता है। अब ये पूरा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। फिर उसको जब हिप्नोसिस में ले जाते हैं ना, जब उसको सुला देते हैं थोड़ा सा, और उसके दबी हुई भावनाओं और इमोशंस से सवाल करते हैं ना, तब वो पूरा ये किस्सा बताता है, मेरी बहन के साथ ये हुआ था। सो ये होता है केस स्टडी मेथड। बहुत कमाल का टॉपिक है बेटा। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलो कंटिन्यू करें बच्चों। नाउ रिसर्च मेथड में, रिसर्च स्टडीज में, द लास्ट स्टडी इज कोरिलेशन स्टडी। कोरिलेट करना यानी हमेशा लिंक करना, कनेक्ट करना। जैसे अगर हम डॉक्टर होने के नाते अगर पेशेंट को बहुत खांसी हो रही है, तो हम उसका एक्सरे कराते हैं। अब जितना ज़्यादा उसको खांसी हो रही है और एक्सरे में कफ का जितना दाग आ रहा है, लंग्स का जितना डैमेज आ रहा है, सो एक्सरे के फाइंडिंग को और कफिंग को हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे में बहुत ज़्यादा डैमेज दिखाता है, पर पेशेंट को इतनी तकलीफ नहीं है, सो हम लोग उसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सरे में थोड़ा सा ही फाइंडिंग्स दिखाता है, थोड़ा ही डैमेज दिखाता है, पर पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमेशा है ना दोनों चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, ओके, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। उसी तरह से कोरिलेशन स्टडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को कोरिलेट करेंगे, लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में। इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, जिसका वैल्यू है -1 से लेकर +1, ओके, जहाँ पे ये वैल्यू, जैसे 0 के नीचे -1 और 0 के ऊपर +1, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है दो चीजों के कोरिलेशन के बीच में। ठीक है, अब ये बात अच्छे से समझ लो। अब ये जो कोरिलेशन है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोरिलेशन तीन तरह का होता है। अगर एक चीज बढ़ने के वजह से दूसरी भी बढ़ रही है, या तो एक कम होने के वजह से दूसरी भी कम हो रही है, तो बेटा हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू है +1। बट अगर ऐसा हो रहा है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो भाई दूसरी कम हो रही है, या तो पहली वाली कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका कोएफिशिएंट इज -1। और अगर एक चीज बढ़ रही है पर दूसरी चीज को फर्क नहीं पड़ता है, ओके, सो यहां हम लिख देते हैं नो इफेक्ट। या तो अगर वही चीज कम हो रही है पर इसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर भी, सो इसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन, और इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू इज 0। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। जैसे रिहर्सल करना यानी प्रैक्टिस करना और मेमोरी। अब प्रैक्टिस करना और मेमोरी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेमोरी उतनी ज्यादा होगी, दोनों बढ़ गए। जितना कम प्रैक्टिस करोगे मेमोरी उतनी कम होगी, दोनों कम हो गए। सो प्रैक्टिस और मेमोरी के बीच में कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल। यहां पर हमने एग्जांपल क्या लिया? प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना और मेमोरी। नेगेटिव कोरिलेशन में बेस्ट एग्जांपल एक्सरसाइज एंड फैट्स। अब तुम जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे बॉडी में फैट्स उतना कम होगा, तुम जितना कम एक्सरसाइज करोगे बॉडी में फैट्स उतना ज्यादा होगा। सो ये दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। उसी तरह से जीरो कोरिलेशन, कोई भी फालतू सा पॉइंट ले लो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक इंसान का इंटेलिजेंस आई और उसका हाइट एच। अगर किसी का हाइट ज्यादा है यानी वो ज्यादा होशियार है, ऐसा होता है क्या? नहीं।
सो हाइट का बढ़ना या हाइट का कम रह जाना और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं, इसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तू और तेरा दोस्त, समझो प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड को जितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, वाइफ को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है, तो ये दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन का रिश्ता है। बट समझ लो तुम और तुम्हारा दुश्मन, दुश्मन को जितना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसकी तकलीफ बढ़ रही है, तो तुम्हारी तकलीफ कम हो रही है, सो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और ज़ीरो कोरिलेशन, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेट्स से बॉडी वेट एंड सिंगिंग टैलेंट। अब जो जितना मोटा है उतना अच्छे से गाएगा क्या गाना? ऐसा कुछ नहीं होता है। सो शरीर के वजन का और गाना गाने के सुर का कोई रिलेशन नहीं है, उसको हम बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। कोरिलेशन पे शॉर्ट नोट आया ना, मैं बोलता हूँ मेरा बेटा एज यो स्टूडेंट, तू ना ये भर भर के लिख देना पूरा इंग्लिश में, ओके, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट, चैलेंजेस विच वर फेस्ड बाय साइकोलॉजी सो एज टू एस्टैब्लिश साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइकोलॉजी को साइंस की मान्यता देने में बहुत तकलीफें आ रही थी। सबसे पहली बड़ी तकलीफ थी, साइकोलॉजी को प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में माना जाता था। थॉमस कुन करके एक साइंटिस्ट थे, इनका मानना ऐसा था, बाकी सारा साइंस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये मेच्योर साइंस है, और ये बोलते थे कि साइकोलॉजी अभी भी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में है, यानी बच्चे वाले स्टेट में है। ये साइंस, ये छोटा बच्चा है, ये अभी बड़ा हो रहा है, ये अभी भी यंग है, इमेच्योर है, ऐसा ये बोलते थे। नेक्स्ट, साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी का इशू है, यानी वैलिड है कि नहीं पता ही नहीं चलता है, और डेफिनेटली पता नहीं चलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में हम जैसे अगर किसी के इमोशन की पढ़ाई कर रहे, क्रिएटिविटी की पढ़ाई कर रहे, एटीट्यूड की पढ़ाई कर रहे, बिहेवियर की पढ़ाई कर रहे, तो ये सारी पढ़ाई हम किस आधार पे करते हैं? देखो, हम कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। सो साइकोलॉजी में ये सब पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीका है, और ये ज़्यादातर हमको सजेस्ट करता है। तो अगर हमको पता चलता है ये इंसान इतना गुस्सा होगा, बट ये वैलिड नहीं है कि हमेशा ये गुस्सा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इमोशंस डायनामिक होते हैं, बदलते रहते हैं, इंसान का स्वभाव बदलते रहता है, और हमारे पास जो टेस्ट करने का तरीका है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट तरीका है। ये कोई ब्लड रिपोर्ट जैसा नहीं है कि हाँ मलेरिया का जंतु मिला तो मलेरिया है, तो यहाँ हम इस तरह का कोई ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब डिटेल्ड टेस्ट नहीं करते, खाली ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते हैं। इसलिए साइकोलॉजी पे ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी का सवाल उठ आया। नेक्स्ट, साइकोलॉजी पे प्रिडिक्टेबिलिटी का भी सवाल है और रेप्लिकेबिलिटी का भी सवाल है। प्रिडिक्ट करना यानी अंदाजा लगाना। अब हम ये अंदाज तो नहीं लगा सकते ना कि अगर इंसान गुस्सा होएगा तो गुस्से में भाई वो टीवी का रिमोट पटक देगा, कि टीवी को पटक देगा, कि अपनी बीवी को पटक देगा इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते बच्चों। हाँ, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बीमार है ना तो ये चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा करेगा। सो प्रिडिक्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी का इशू आता है इसमें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। साइकोलॉजी इंसान की पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने उंगली उठाया, बोला कि आप ना इंसान को एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, और ये बहुत ही डीह्यूमन एक्टिविटी है, अमानवीय हरकत है, जहां आप मानव इंसान को एक वस्तु, एक चीज समझ के उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी इंसान के ही ऑब्जर्वेशंस करता है और उसी पे एक्सपेरिमेंट करके समझता है और अपने पॉइंट्स को बनाता है। सो इसीलिए साइकोलॉजी में लोगों ने ये भी अड़ंगा अड़ाना शुरू कर दिया, ये कह के कि साइकोलॉजी इंसान की पढ़ाई करता है, तो इस साइंस के हिसाब से इंसान एक ऑब्जेक्ट है, इंसान एक लेबोरेटरी का चूहा है, इंसान एक लेबोरेटरी का गिनी पिग है जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और सख्त कायदा ये कहता है मानवता और इंसानियत के नाते इंसान पे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, इंसान को किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटल टूल या फिर अपैरेटस या तो टेस्ट ट्यूब ये सब नहीं समझना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट शॉर्ट नोट आएगा रैशनैलिटी पे। स्टैनोविच करके साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला रैशनैलिटी इज अडैप्टिव रीजनिंग। अडैप्ट करना यानी एडजस्ट करना, ओके, अडैप्टिव रीजनिंग एंड गुड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो आप बदलते माहौल के साथ आप बदलो। अब लोग बोलते हैं अवस्थी सर बदल गए, तो अवस्थी सर है ना अपना रीजन देते हैं,
बोलते देखो मेरे साथ लोगों ने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। सो ये मेरा अडैप्टिव रीजनिंग है। फिर मैं फ्यूचर के हिसाब से जजमेंट ले लेता हूँ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और उस हिसाब से अपनी निजी जिंदगी में कोई ना कोई निर्णय ले लेता हूँ, डिसीजन ले लेता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं रैशनैलिटी एज पर स्टैनोविच। स्टर्नबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या बोला, रैशनैलिटी में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जरूरी है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसफुली नेचुरल सेटिंग। कोई भी इंसान प्रैक्टिकली होशियार है जब वो प्राकृतिक हालात में नेचुरल सेटिंग में सक्सेसफुली अपना परफॉर्मेंस दे पाता है एंड इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट विद वंस गोल। ओके, यानी उसकी जो जिंदगी की इच्छा है, उसका जो गोल है, वो नेचुरल सेटिंग में सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, सबसे कमाल का आंसर है। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया था। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम आता ही आता है। इसको REBT, RET भी बोलते हैं, रैशनल इमोटिव थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। इन्होंने क्या बोला ना, हमको हमारी जिंदगी में रैशनल होना चाहिए। शॉर्टकट याद रख, यू शुड बी बी रैशनल। अब बी से हो जाएगा बैलेंस। हर इंसान का है ना अंदरूनी तौर पे खुद के साथ बैलेंस होना चाहिए, अपने इमोशन के साथ बैलेंस होना चाहिए, और अपने आस पड़ोस में जितने लोग हैं, काम पे जितने लोग हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके इमोशंस के साथ बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट ई से आता है एस्टीमेट। एस्टीमेट लगाना यानी अंदाज लगाना। हर इंसान को अंदाज लगाना चाहिए, मेरे ये बोलने से सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा मानेगा, बुरा मानेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो अपने बिहेवियर का क्या इफेक्ट होगा, दैट इज एस्टीमेट। आर से रिस्पेक्ट। हर इंसान को खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरे के भी उसी प्रकार रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस तरह से वो खुद की रिस्पेक्ट चाहता है। नेक्स्ट ए से आता है एफिलिएट। हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ एफिलिएट होना चाहिए, उसके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। ओके, टी से आता है टॉलरेट। हर इंसान को दूसरे इंसान के जज्बातों को टॉलरेट करना आना चाहिए। ओके, उसको समझ के लेना आना चाहिए। आई से आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स टू कंबाइन। सामने वाले के बिहेवियर को अपने बिहेवियर से कंबाइन करके हम कैसे एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेट। ओ से ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज यानी मैक्सिमम पॉजिटिविटी हमको डेवलप करना चाहिए हर तरह के रिलेशनशिप में। देन एन मीन्स नेविगेट। नेविगेट यानी डायरेक्शन देना, अपनी जिंदगी को, अपने सोच को डायरेक्शन देना आना चाहिए, दैट इज नेविगेट। ए एक्सेप्ट, सामने वाले का जो भी उसका गलती है, जो भी उसका बिहेवियर है, उसको उसके बिहेवियर के फॉर्म में एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अभी जैसे मेरे क्लिनिक में अगर मेरी स्टाफ से कुछ गलती हो जाती है तो मुझे पता है कि उसको इतना नॉलेज नहीं है, सो मुझे है ना उसको उसकी गलती के साथ एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एट द सेम टाइम उसके फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, बड़े प्यार से उसको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। ओके, लास्ट एल मीन्स टू लिव, दैट मीन्स टू लिव हैप्पीली एंड टू लिव फुलेस्ट। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो और अच्छे से जियो। सर जियो नहीं, एयरटेल चुप रहे अंबानी मारेगा तेरे को। ओके, सो हियर द पॉइंट इज, तेरे को है ना रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी पे शॉर्ट नोट आया ना, तो बी रैशनल को डिस्क्राइब कर देना। अब अलग अलग डाइजेस्ट में, अलग अलग टेक्स्ट बुक में ना तेरे को इसके बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, पर तू है ना ये एक एक वर्ड को एक दो लाइन में ना ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना। शॉर्टकट याद रखना, द शॉर्टकट इज बी रैशनल। बी ई बैलेंस एस्टिमेट, रैशनल रिस्पेक्ट, एफिलिएट, टॉलरेट, इंटीग्रेट, ऑप्टिमाइज, नेविगेट, एक्सेप्ट एंड लिव। ये समझा बेटा? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका है ना प्रॉपर नोट्स बनाना। लिया? ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का कर दिया स्वाहा। दिस इज द वन शॉर्ट लेक्चर। इसी तरह से बाकी 7 चैप्टर्स के भी लेक्चर्स मैं प्रेजेंट करूंगा, सो दैट आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और इफ आई गेट टाइम तो मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब के भी लेक्चर बना के तुमको फॉरवर्ड करूंगा। टिल देन आप लोग सब मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने माइंड को है ना इम्प्रूव करो इन लेक्चर्स के बाद। सो कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।